मारुति सुजुकी का नाम जब भी आपके जहन में आता है तो ये काफ़ी एक ऐसी कंपनी है जो लोगों से इमोशनली कनेक्टेड है, कई लोग इससे इमोशनली कनेक्टेड हैं। एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने आम भारतीयों के पहले कार के सपने को पूरा किया है। इस वक्त हमारे साथ आरएस कलसी हैं, हम बैठे हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट के नेक्स्ट जनरेशन मॉडल में। इस कार का काफ़ी लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था, कई लोग इस कार के बारे में पूछ रहे थे। सर बताइए इस कार में क्या खास है? ये हमारी थर्ड जनरेशन मॉडल है और हम लोगों ने पहली बार ये कार 2005 में लॉन्च की थी। तो जब से हमने लॉन्च किया तभी से ये कैटेगरी लीडर रही है और ग्राहकों की ये नंबर वन चॉइस रही है। और ये 13 साल के अंदर हम लोगों ने तकरीबन 18 लाख गाड़ियां मार्केट में बेची हैं इसकी। और 2011 में हम इसका सेकंड जनरेशन मॉडल लाए थे। तो थर्ड जनरेशन मॉडल टोटली अलग है आउटगोइंग स्विफ्ट के मुकाबले में। ये एक नए प्लेटफॉर्म पर बना है जो हाई टेंसाइल टेक प्लेटफॉर्म है। ये गाड़ी ज़्यादा स्पेशियस है, लेंथ में भी, विड्थ में भी, हाइट में भी। तो अंदर का स्पेस मैनेजमेंट बहुत अच्छा हुआ है और साथ में इसकी स्टाइलिंग के ऊपर खास ध्यान दिया गया है। इसके LED प्रोजेक्टर, हेडलैम्प, स्पेशल ग्रिल और टेल लैम्प्स और इसके जो रियर डोर्स हैं उनका हैंडल, ओपनिंग हैंडल ऊपर लिफ्ट कर दिया गया है। तो इसकी ओवरऑल स्टाइलिंग अपीयरेंस बहुत अच्छी है। और उस सब के चलते अगर हम इंटीरियर्स की तरफ आते हैं तो इसका जो हमने इंस्ट्रूमेंट पैनल डिज़ाइन किया है सारा, वो एक कॉकपिट से प्रेरणा लेकर बनाया गया है और वो ड्राइवर की तरफ टिल्टेड है 5 डिग्री। तो ड्राइवर को अंदर बैठकर एक अच्छी विजिबिलिटी मिलती है। 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, 7 इंच स्क्रीन का। और इसके अलावा अगर हम परफॉर्मेंस की तरफ जाते हैं तो इसका इंजन पेट्रोल और डीजल दोनों वर्जन में है और पेट्रोल इंजन की जो हम लोगों ने एफिशिएंसी बढ़ाई है वो तकरीबन 7% 22 किलोमीटर प्रति लीटर तक ले गए हैं। और इसी तरह से डीजल इंजन की जो कैपेसिटी है वो 28.4 किलोमीटर प्रति लीटर तक ले गए हैं, तकरीबन 12.8% उसके अंदर हमने एफिशिएंसी इम्प्रूव की है। तो कुल मिला के एक बहुत अच्छा पैकेज है ये हमारे कस्टमर्स के लिए और मुझे उम्मीद है कि ये उनकी कसौटी पर खरा उतरेगा। सर अभी मैं ऑटो एक्सपो घूम रहा था, मैंने कई लोगों से बात की, 10 में से 8 लोग मारुति सुजुकी के पवेलियन को देखकर काफ़ी खुश थे और आज भी मारुति सुजुकी उनकी पहली चॉइस है। तो इस ऑटो एक्सपो मारुति सुजुकी क्या खास लेकर आई है, फ्यूचर मोबिलिटी के लिए आप लोग क्या नया लेकर आ रहे हैं? देखिए फ्यूचर में अगर हम मोबिलिटी की डायरेक्शन की बात करते हैं तो 4 चीज़ें उसमें आ रही हैं सामने। तो पहली चीज़ उसके अंदर है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी, उसकी तरफ ध्यान दिया गया है यहाँ पर। और हम लोगों ने अपनी एक कॉन्सेप्ट कार ई सर्वाइवर के नाम से लॉन्च की है यहाँ पर। और उसके अंदर ही हम लोगों ने कनेक्टेड कार्स, जो दूसरी नई कॉन्सेप्ट आ रही है फ्यूचर की गाड़ियों में, वो भी डाली है। और कनेक्टेड कार के अलावा ऑटोनोमस कार्स की, कार को ऑटो पायलट मोड में डाल दिया और उसका ड्राइवर आराम से बैठकर इंफोटेनमेंट सिस्टम देख सकता है। और इसके अलावा 4-व्हील ड्राइव हमने उसके अंदर दिया है, जहां चारों व्हील्स के ऊपर इंडिपेंडेंट मोटर्स हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं जो 4 व्हील्स को अलग से इंडिपेंडेंटली पावर देती हैं। तो ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी का एक जो है बेहतरीन नमूना हमने यहाँ पर पेश किया है। और आगे चलते हैं, हम 2020 तक हम अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल भी लॉन्च करेंगे, हमारा पहला मॉडल आएगा। इसके अलावा हम लोगों ने फ्यूचर एस के नाम से कॉन्सेप्ट कार यहाँ पर लॉन्च की है और जो ग्राहकों को काफ़ी पसंद आई है अभी तक, जो विजिटर्स आए हैं। और ओवरऑल हम लोगों ने इस पवेलियन पर इस बार 30% ज़्यादा स्पेस लिया है और तकरीबन 50% ज़्यादा यहाँ पर मैन पावर डिप्लॉय की है ताकि हम लोग एक अच्छा शो अपने विजिटर्स को पेश कर सकें। सर इलेक्ट्रिक कार की आप बात कर रहे हैं, 2020 तक आप अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लेकर आ रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल है सर कि आप लोग हमेशा एक मास को कैटर करते हैं, मास को ध्यान में रख के आप लोग अपने प्रोडक्ट तैयार करते हैं, इसके लिए आपको, इसीलिए लोग सबसे ज़्यादा मारुति को पसंद कर भी करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि अभी भारत पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक कारों के लिए तैयार है? और अगर नहीं है तो भारत सरकार की तरफ से या आप जैसे मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से क्या कदम उठाए जाने ज़रूरी हैं लोगों को जागरूक करने के? अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। उनके अंदर सबसे जो अहम बात है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी,
क्योंकि जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उनको चार्जिंग की ज़रूरत पड़ती है और चार्जिंग के लिए काफ़ी टाइम लगता है। अगर हम फास्ट चार्जिंग की भी बात करें तो एक घंटे तक का समय लग सकता है एक कार में, और स्लो चार्जिंग जो है 3-4 घंटे लगती है। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जहाँ पर अच्छा पार्किंग स्पेस हो और जो है बैटरी चार्जिंग की फैसिलिटीज़ हो, ये सबसे बड़ा अभी चैलेंज रहेगा। साथ में जो लिथियम आयन बैटरी है उसका एक ओवरऑल इकोसिस्टम देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इनिशियली उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो कस्टमर उस कॉस्ट के ऊपर उसको एक्सेप्ट करेगा, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। उसके बाद फिर लिथियम आयन बैटरी को एंड ऑफ व्हीकल लाइफ में उसको सालवेज करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक्सप्लोसिव नेचर की बैटरी होती है, तो वो पूरे इकोसिस्टम के ऊपर अभी ध्यान देने की ज़रूरत है। सर, रोड सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू है, कार की क्वालिटी पर भी बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं, रोड सेफ्टी भी लोग भी उतने जागरूक नहीं हैं। मारुति सुजुकी भी लंबे टाइम से कई सारे CSR एक्टिविटीज़ करती आ रही है लोगों को जागरूक करने के लिए। अभी आपने जो हाल में ही लॉन्च किया है पहनी क्या इनिशिएटिव, उसके बारे में सर कुछ बताइए आप। देखिए, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे देश में तकरीबन 150,000 लोगों की जाने सड़क के ऊपर जो दुर्घटनाएं होती हैं उसके अंदर जाती हैं, और हम लोगों ने एक रिसर्च किया है कि सड़क के ऊपर केवल 25% लोग ही सीट बेल्ट पहनते हैं जब वो गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं। तो उसका नतीजा ये है कि तकरीबन 15 जो मौतें होती हैं रोज़ाना वो रोकी जा सकती हैं अगर लोग सीट बेल्ट पहने। तो इसलिए हम लोगों ने ये कैंपेन शुरू की है पहनी क्या, इसके अंतर्गत हम लोग इसको पॉपुलर कर रहे हैं टेलीविज़न के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, डिजिटल और सोशल मीडिया के माध्यम से, और ग्राउंड लेवल पे भी हम लोग इसके बारे में काफ़ी जागरूकता पैदा कर रहे हैं रोड यूज़र्स के दिमाग में, ताकि जब भी वो गाड़ी के अंदर बैठें, चाहे वो गाड़ी चला रहे हैं चाहे वो पीछे बैठे हैं, तो सीट बेल्ट ज़रूर पहने। और इसका हमने स्लोगन दिया है पहनी क्या, तो जब भी आप स्टीयरिंग व्हील पर बैठें ना सिर्फ आप खुद सीट बेल्ट पहने बल्कि गाड़ी में बैठे हुए सभी लोगों से पूछें पहनी क्या। और ये हमारी कैंपेन काफ़ी पॉपुलर हो रही है, और मुझे उम्मीद है कि इसका एक जो है सकारात्मक असर पड़ेगा लोगों के ऊपर और सीट बेल्ट लगाने की पॉपुलरिटी देश के अंदर आएगी। सर, ऐसा देखा गया है कि बड़े शहरों में तो लोग सीट बेल्ट या ट्रैफिक नियमों को लेकर थोड़े गंभीर होते हैं पुलिस के डर से ही सही या जो भी है, छोटे शहरों में सर पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। छोटे शहर के लोग आज भी सीट बेल्ट और इन सारी चीज़ों को बहुत ही इस्तेमाल नहीं करते हैं या उस तरीके से। देखिए, आपको इस बात से ताज्जुब होगा कि जो सीट बेल्ट पहनने की अवेयरनेस है या नॉन अवेयरनेस है, दोनों छोटे और बड़े शहरों में बराबर है। बड़े शहरों के लोग सोचते हैं कि मेरी टाई पर रिंकल पड़ जाएंगे, कोट पर रिंकल पड़ जाएंगे, मेरी वाइट शर्ट ख़राब हो जाएगी, इस तरह के रीजंस के साथ में वो लोग सीट बेल्ट नहीं पहनते। छोटे शहरों के लोग हैं वो इस तरह के रीजंस की वजह से सीट बेल्ट नहीं पहनते कि यार लोग क्या कहेंगे, ये तो अनाड़ी ड्राइवर है सीट बेल्ट पहन के चला रहा है, या ये कोई शेरदिल ड्राइवर नहीं है यार सीट बेल्ट डरपोक ड्राइवर है सीट बेल्ट पहन के चला रहा है। तो दोनों जगह अलग अलग उसके कारण हैं, परंतु मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर ही बहादुरी है कि आप अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। जब सोल्जर भी जब लड़ता है तो उसने अपना सेफ्टी के लिए पूरा यूनिफॉर्म पहना होता है, हेलमेट पहना होता है, तो वो तभी बहादुरी दिखा सकता है अपनी। तो सीट बेल्ट ना पहनना कोई बहादुरी का वो द्योतक नहीं है। और रही बात आपकी कि किस तरह से हम इसको छोटे शहरों तक ले जाएंगे, तो हम लोग टेलीविज़न पर भी इसके बारे में बात कर रहे हैं, कैंपेन शुरू किया हमने, रेडियो में भी कैंपेन शुरू किया हमने, और अखबारों के अंदर भी, लोकल लैंग्वेज के अखबारों के अंदर भी हम लोगों ने इसकी कैंपेन शुरू की है, और साथ में सोशल मीडिया पर हम इसको लोकल लैंग्वेज में भी डाल रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये जो है मैसेज पहुँच सके और वो लोग सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना शुरू करें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मारुति एक जिम्मेदार कंपनी है, कलसी सान हमारे साथ हैं। कलसी सान, आप हमारे दर्शकों से पहनी क्या इनिशिएटिव को लेकर कुछ अपील करना चाहें? मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप गाड़ी के अंदर बैठें तो सीट बेल्ट जरूर पहनें, और इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके साथ में जो लोग बैठे हैं, आपके परिवार के सदस्य पीछे बैठे हैं, उन्हें भी आप सीट बेल्ट पहनाएं, उसके लिए उत्साहित करें। और सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ ये है कि गाड़ी में बैठते ही स्टीयरिंग व्हील पर आप पूछें सबसे पहनी क्या। तो ये थे हमारे साथ RS कलसी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लोकमत न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद सर।